हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर अड्डा पर। यहाँ आपको मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज बड़ी संख्या में, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी बायोग्राफी और इन सब से रिलेटेड उनके एमसीक्यूज जो कि होंगे 500, जो BA MA PGT और DSSSB सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि थॉमस हार्डी से रिलेटेड 500 MCQs आपको मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। थॉमस हार्डी, इनकी बायोग्राफी देखते हैं। थॉमस हार्डी, तो फ्रेंड्स इनका बर्थ हुआ था 2 जून 1840 में ईस्टिंसफोर्ड डोरसेट इंग्लैंड। इनकी जो डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928, एज 87, डोरसेट इंग्लैंड। हार्डी के पेरेंट्स थॉमस हार्डी वॉज ए स्टोन मैनसन एंड लोकल बिल्डर। हिज मदर, इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर थी जेमिना, वॉज अ वेल एजुकेटेड लेडी। एजुकेशन, किंग्स कॉलेज लंदन में इनकी शिक्षा हुई। आफ्टर दैट मैरिज एम्मा लविनिया गिफर्ड 1874 और फ्लोरेंस डगडेल 1914, ये इनकी दो शादियाँ हुई थी। ऑक्यूपेशन, इनका जो ऑक्यूपेशन था, ये लास्ट विक्टोरियन पोएट थे, ये आप ध्यान रखना। हार्डी जो है लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट थे, और इनके अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला 1910 में। ऑनररी यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम एबरडीन, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम बात करते हैं अ सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत ये है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ध्यान देंगे वो देंगे MCQs पर। आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सब हम इस पर ध्यान देंगे MCQs पर। तो पढ़ते हैं आगे, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये है द पुअर मैन एंड द लेडी, अनपब्लिश्ड एंड लॉस्ट 1867, 1872 अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये पब्लिश्ड है एनोनिमसली बिना नाम के। आफ्टर दैट फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, 1874 में आया था। 1878 में द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द वुडलैंडर्स, ये आप सब याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। वसेक्स टेल्स, टैस ऑफ द टी अर्बरवेल्स, लाइफ, इसके बाद ये क्या है, लाइफ लिटिल आयरनीज, और ये कुछ रोमांस और फैंटेसीज हैं। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द ट्रम्पेट मेजर, टू ऑन अ टावर, अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स, द वेल बिलव्ड। इसके बाद हम बात करते हैं नॉवल्स, ये नॉवल्स से डेस्परेट रेमेडीज, ये भी एनोनिमसली पब्लिश हुआ था बिना नाम के, एनोनिमसली बोलते हैं बिना नाम के पब्लिश कराएंगे। हैंड ऑफ, इसके बाद द हैंड ऑफ एथेलबर्टा और लाउडेशियन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लेना। ये और वर्क हैं इनके, ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं MCQs की। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वॉज बोर्न इन 1840 इन विच इंग्लिश काउंटी? द राइट ऑप्शन इज सी, डोरसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हार्डी बिगेन्स हिज करियर बाय राइटिंग? द राइट ऑप्शन इज डी, पोइट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्डी ने अपना करियर पोइट्री से स्टार्ट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी इज कॉल्ड द नॉवलिस्ट ऑफ? द राइट ऑप्शन इज द वेसेक्स रीजन, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी इज नोन एज? द राइट ऑप्शन इज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वॉज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी रिसीव्ड द लव ऑफ म्यूजिक वायलिन फ्रॉम हिज, द राइट ऑप्शन इज ए, हार्डी।
सॉरी द राइट ऑप्शन इज ए फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज एसे ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर इन 1863. द राइट ऑप्शन इज ए हार्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मूविंग टू लंडन इन 1862 हार्डी ट्रेन एज वॉट. क्वेश्चन नंबर एट, द ऑप्शन ए इज राइट आर्किटेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज मीन्ड बाई वेसेक्स. द राइट ऑप्शन इज ए. वॉट इज मीन्ड बाई वेसेक्स. द राइट ऑप्शन इज ए द रीजन इन विच हार्डीज नॉवल्स आर सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी इज कॉल्ड ए. द राइट ऑप्शन इज सी रीजनल नॉवलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डीज फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज बीन टेकन एज. द राइट ऑप्शन इज बी पैसिमिस्टिक. ऑप्शन बी इज राइट पैसिमिस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन रिटर्न ऑफ नेटिव बिकम्स एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर. द राइट ऑप्शन इज ए एग्डन ही. द राइट ऑप्शन इज ए एग्डन ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ. द राइट ऑप्शन इज ए इमानेंट विल. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैड गॉड इज नॉट देयर इन हेवन एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड. द राइट ऑप्शन इज सी थॉमस हार्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ हार्डीज नॉवल एंड्स विद द लाइन जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन एसिचिलियन फ्रेज हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टैस. द राइट ऑप्शन इज डी टैस ऑफ द डी अर्बल वाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वॉज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नॉवल. द राइट ऑप्शन इज ए द पुअर मैन एंड द लेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी प्रोड्यूस्ड अ नॉवल द सेपरेट द सॉरी द स्पेक्टर ऑफ द रियल. In collaborated with. The right option is question number 17 C. The Florence Haniker. Next question, which novel of Thomas Hardy has a chapter in which a man sells his wife. The right option is The Mayor of Casterbridge. The most important work hai Thomas Hardy ka. Aur ye sabhi jo work diye hue hain 4 and 2 on a tower, the return of the native, desperate remedies, in sabhi ke MCQs hum main sare ke sare karaunga jo ki sabhi exams ke liye most important rahenge. So friends, channel par bane rahein. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच नॉवल हार्डी यूजेस द फॉलोइंग लाइंस टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर. एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 19 ए एस ऑफ द डी अर्बर वाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबटाइटल ऑफ टैस of the D. Herbervilles is. The right option is question number 20 B. A pure woman. The subtitle of the task of the D. Herbervilles is a pure woman. Most important question. Next question, what happens to Tess in task of the D. Herbervilles? The right option is D. She is hanged. Next question, whom does Tess kill in a fit of emotional fury? The right option is C. The right option is C. Alec D. Herbervilles. Next question, who is the rival of Henchard in the Mayor of Casterbridge? The right option is A. Donald Farfrae. ये जो Donald Farfrae है ये Henchard का क्या था manager था और ये इसका rival. Next question, in which year Thomas Hardy announced that he would not write fiction again? The right option is D. 1896. Next question, which county is depicted in the novels of Thomas Hardy? The right option is B. Wessex. Next question, who is Jude Fale's cousin in Jude the Obscure? The right option is D. Hugh Bridehead. Next question, which of Thomas Hardy first gained notice? The right option is question number 27 B. Far from the wedding card. Next question,
हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन थॉमस हार्डी? द राइट ऑप्शन इज सी जॉर्ज फिफ्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद द नेपोलियनिक वॉर्स? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 29 सी द डायनेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेयर ऑफ कैस्टरबरीज माइकल हेंचर्ड सेल्स हिज वाइफ विद बेबी डॉटर फॉर हाउ मच? द राइट ऑप्शन इज बी 5 guineas. जो क्या इसमें द मेयर ऑफ कैस्टरबरीज जो माइकल हेंचर्ड है, इसने अपनी वाइफ और अपनी बच्ची थी लड़की बेबी गर्ल वो बेच दिया था ओनली फॉर 5 guineas, और उसने उस समय दारू पी रखी थी लिखकर. वॉट वॉज हार्डीज फादर प्रोफेसर? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन 31 डी स्टोन मैंसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द टाइटल ऑफ हार्डीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1898? द राइट ऑप्शन इज डी वेसेक्स पोएम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जूड द ऑब्सक्योर वॉट इज जूड्स सरनेम? द राइट ऑप्शन इज बी फाले. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस ऑफ द डियर ब्रोवाइल्स वॉट नेम डज टेस गिव टू हर इलिजिटिमेट सन? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 34 बी सोरो. तो जो ये टैस हैं क्या नाम रखती है? सोरो नाम रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न ऑफ द नेटिव बिगिंस व्हेन? द राइट ऑप्शन इज बी गाय फॉक्स नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डीज लाइफ एंड कैरियर आर ऑब्लिकली डिपिक्टेड इन? द राइट ऑप्शन इज बी जूड द ऑब्सक्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लैंड्स शार्प फीचर्स सीम्ड टू बी द सेंचुरीज ऑफ आउटलीन्ड? द राइट ऑप्शन इज बी द डार्कलिंग थ्रस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच नॉवल ऑफ हिज ओन हार्डी रिमार्क्ड अ वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्प्रिट? द राइट ऑप्शन इज सी जूड द ऑब्सक्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच वन वॉज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवल? द राइट ऑप्शन इज ए अ पेयर ऑफ ब्लू आईज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम आस्क्ड टू राइट माय रेमिनिसेंस ऑफ अ फेमस नॉवलिस्ट अबाउट हुम डज द ऑथर सोमरसेट मॉम से हिज इन कॉन्टेस्ट ऑफ हिज नॉवल केक्स एंड एल्स? द राइट ऑप्शन इज सी थॉमस हार्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1872 अ वीक और टू बिफोर थॉमस हार्डीज 32nd बर्थडे वन ऑफ हिज बुक्स वॉज पब्लिश्ड विच कन्फर्म्ड हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज अ राइटर? विच बुक वॉज इट? द राइट ऑप्शन इज बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक? द राइट ऑप्शन इज सी अ पेयर ऑफ ब्लू आईज. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ नॉवल बाय? द राइट ऑप्शन इज थॉमस हार्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डीज नॉवल अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम. विच ऑफ द फोर बिलो इज इट? द राइट ऑप्शन इज बी द मेलस्टोक क्यूर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज? द राइट ऑप्शन इज डी वर्स्ट ड्रामा. जो ये डायनेस्ट है ये क्या है? एक वर्स्ट ड्रामा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैथसीबा इज द हीरोइन ऑफ? द राइट ऑप्शन इज सी फार फ्रॉम द मेडिकल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस हार्डी का, और मैं थॉमस हार्डी के जितने भी वर्क हैं लगभग सभी के ही MCQs में कराऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज? द राइट ऑप्शन इज डी माइकल हेंचर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द इलेजी ऑन द सिंकिंग ऑफ टाइटेनिक? द कवर्जेंस ऑफ द ट्वेन. द राइट ऑप्शन इज ए हार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्कवर एविल इन अ न्यू फ्रेंड इज टू मोस्ट पीपल ओनली एन एडिशनल एक्सपीरियंस. द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम? द राइट ऑप्शन इज ए डेस्परेट रेमेडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द अर्थ बिकम मोर डियर एज दे एल्यूड परस्यू बट विद सम नेचर्स अटर एल्यूजन इज द वन स्पेशल इवेंट विच विल मेक अ पासिंग लव परमानेंट फॉर एवर. द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम? द राइट ऑप्शन इज ए डेस्परेट रेमेडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन,
align they seem to be, no normal eye could see the intimate welding of their later history. The above lines are taken from the right. Option is B, the convergence of the twin. Next question. Wars annals will cloud into night, or their story die. The above lines are taken from the right. Option is C, in time of the breaking of nations. Next question. All that blood means heavy autumn work for him and his hands. This line is taken from the right. Option is A, the woodlanders. Next question. Do not do an immortal thing for mortal reasons. This line is taken from the right. Option is B, Jude the obscure. Next question. What of the immanent will and its designs? It works unconsciously as heretofore eternal artistries in circumstances. The above lines are taken from the right. Option is A, the dynasts part first. Next question. Question number 55. My argument is that war makes rattling good history, but peace is poor reading. The above lines are taken from the right. Option is A, the dynasts part second. Next question. To find beauty in ugliness is the province of the poet. Who said? The right option is A, Hardy. Most important question. Next question. अब हम ये बात करते हैं, Hardy का वर्क है और ये है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके एम सी क्यूज करते हैं और ये फर्स्ट वर्क मान के चलिए जो एम सी क्यूज कर रहे हैं. वोट अकॉर्डिंग टू गब्रेल ओ इज बैथसिबा एवरडेंस फॉल्ट इन द चैप्टर. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 58 बी, वैनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज बैथसिबा टेक्स गब्रेल ओक बैक आफ्टर सी फायर सीन. द राइट ऑप्शन इज सी. The option is right. Her sheep eat clover, which causes their stomachs to expand dangerously, and he is the only one who knows how to save them. She realizes she cannot do without him. Next question. How does Gabriel Oak lose his farm? Next question. Question number 60. The option D is right. His younger dog chases all the eaves of a precipice, thinking he is dutifully herding them. Option B is right. Next question. How do Bathsheba Everdeen and Sergeant Troy first meet? The right option is question number 61 B, they pass each other in the dark in the fir grove and his spur gets caught on her skirt. Next question. What inspires Boldwood to fall in love विद बैथसिबा एवरडेन? जो ये बॉलीवुड है, ये बुजुर्ग आदमी है और ये बैथसिबा एवरडेन से प्रेम में पड़ जाता है. तो ये कैसे पड़ता है ये क्वेश्चन. तो राइट जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 62, द राइट ऑप्शन विल बी डी. ऑन अ विंग शी सेंड्स हिम अ वैलेंटाइन विद अ सील दैट सेज मैरी मी. तो जो ये बैथसिबा है, इसने एक लेटर लिखा था, इसके यहाँ पोस्ट किया था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और इसे देखकर यह पागल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. हु रिकॉग्नाइजेज द डिस्गाइज्ड सर्जेंट ट्रॉय एट द फेयर. सर्जेंट ट्रॉय को कौन पहचानता है मेले में? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 63 सी, द फॉर्मर बेली पेनीवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज बॉलीवुड पनिशेज फॉर किलिंग सर्जेंट ट्रॉय? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 64 ए, ही इज फर्स्ट सेंटेंस टू डेथ एंड देन pardon at the last minute and imprison in steel. Next question. How does Bathsheba Everdeen learn that Fanny Robin has had a baby? The right option is question number 65 C, her servant Lady tells her the rumor and Bathsheba opens Fanny's coffin, which is waiting to be buried, to see if the rumor is true. Both mother and baby are inside. Next question. How does Gabriel Oak end up working on Bathsheba's Everdeen's farm? Question number 66. The right option is A, he comes to Weatherbury and noticing that
द रिक्स आर ऑन फायर स्टॉप द फायर शी ग्रेटफुली ऑफर्स हिम अ जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द फ्लावर फ्लावर सर्जेंटल प्लांट्स ऑन फैनी रॉबिन्स ग्रेव. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 67. द राइट ऑप्शन इज सी. रेन कम्स एंड द वाटर फ्लोज फ्रॉम द स्पाउटेड माउथ ऑफ ए गार्गोयल ऑन टू द बेड ऑफ फ्लावर सो दैट दे आर वास्ट अवे एंड द ग्रेवस्टोन इज स्प्लैटर्ड विद मड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट गैब्रियल ऑक्स वॉच. द राइट ऑप्शन इज सी. द आवर हैंड इज लूज सो इट डज नॉट टेल टाइम प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बॉलीवुड लर्न दैट बैथसीबा एवरडीन हैज मैरिड सर्जन ट्रॉय. द राइट ऑप्शन इज सी. सर्जन ट्रॉय ब्रिंग्स हिम टू द फार्म एंड हैंड्स हिम द न्यूज़पेपर नोटिस अनाउंसिंग द वेडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स गैब्रियल ऑक टू प्रोटेक्ट द रिक्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 70. द राइट ऑप्शन विल बी डी. बैथसीबा एवरडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द अदर लेबरर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म. द राइट ऑप्शन इज ए. द सर्जेंट रॉय हैज मेड them drunk drink brandy and water with him. They have all passed out in the bar. Next question, at the end of the book the discovery of what information leads everyone to think that Baldwood is mentally unstable. The right option is question number 72 C. He has bought a closet of women's clothes and mark them all Bathsheba Boldwood long before Bathsheba has promised to marry him. Next question, how does Bathsheba learn that Troy has had an earlier lover? The right option is question number 73. The option B is right. She sees a lock of yellow hairs in his watch. Next question, who sees Fanny Robin on the night she runs away from the farm and gives her a shilling? The right option is D. Gabriel O. Next question, why does Baldwood have a party at Christmas? The right option is C. He has asked Bathsheba to promise to marry him on that day. Next question, how does Gabriel O tell time when his watch is broken? The right option is C. He judges the time from the position of the stars and peers into windows to see their clocks. Option C is right. Next question, how does Bathsheba Everdeen saves Gabriel Oak's life at the beginning of the novel? The right option is question number 79 D. Question number 77. Question number 77 D. He falls asleep in his efforts, but with the fire burning and both windows closed, and she finds him there before the suffocates. Next question, who comes and helps Fanny Robin make it to Casterbridge? The right option is C. A large black dog. Next question, what stops Fanny's funeral from happening on the day it is planned? The right option is question number 77 D. So 79 D. Option B is right. Joseph Wargrass, who is supposed to bring the coffin to the farm, he stops off for a nutrient. So, reference any technical problem. Next question,
और बस वीडियो कंप्लीट। हु रिपोर्ट्स दैट बैथसबाट सर्जेंट रॉय हैव बीन सीन टुगेदर इन बाथ। द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 18 सी कैनिबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सर्जेंट रॉय कन्वेंस बैथसबा टू मैरी हिम। द राइट ऑप्शन विल बी क्वेश्चन नंबर 81 डी। ही टेल्स हर ही हैज सीन अ वुमेन मोर ब्यूटिफुल देन शी इज मेक्स हर जेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज गैब्रियल ओक ट्राई टू हाइड फ्रॉम बैथसबा द फैक्ट दैट फोनी रॉबिन हैज हैड अ बेबी। द राइट ऑप्शन इज सी, ही रब्स ऑफ द वर्ड एंड चाइल्ड रिटन इन चॉक ऑन द कॉफिन विच रीड फैनी रॉबिन एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बैथसबा नो दैट बैथसबा एवरडीन इज वन हु हैज सेंट हिम द वैलेंटाइन। द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 83 सी, ही आस्क्ड गैब्रियल ओक हूज हैंड राइटिंग इज इट रिटन इन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।